तो फैसल भाई अभी मोबाइल ले रहे हैं ओप्पो A58 मस्त। फैसल मोबाइल देख ही रहा था क्योंकि ये सब मोबाइल उसकी दुकान पे है। सो मोबाइल रेडी एकदम, गार्ड वार्ड चढ़ गया है ना, कवर भी लग गया कवर। हेलो एवरीवन, दिस इज यासिर खान। तो भाई कैसे हम सब, उम्मीद करता हूं एकदम मस्त हो गए। तो भाई आज हम लोग की स्कूल की छुट्टी थी, मतलब आज छोटी दिवाली है। सो छुट्टी थी हम लोग की स्कूल की और आज काफ़ी बारिश भी, मतलब सुबह हुई थी काफ़ी या थोड़ी बहुत मुझे नहीं पता, लेकिन रोड वोड अभी सूख गई है। सो अभी हम लोग जा रहे थे, मतलब नाश्ता वाश्ता करके बैठे थे कि उतने में फैसल का कॉल आया कि वो जा रहा है नया मोबाइल लेने। तो हम लोगों ने सोचा व्लॉग ही बना लेते, तो उसने बोला हाँ भाई व्लॉग बना लो, मोबाइल ले रहे हैं हम। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो उसने बुलाया अपनी शॉप पे, तो फटाफट से चलते हैं उसकी शॉप पे क्योंकि नाश्ता वाश्ता तो कर चुके हैं, तो चलते हैं उसकी शॉप पे। तो भाई अभी हम लोग ने अफान को भी उठा लिया उसके घर से, तो अब चलते हैं अफान के साथ फैसल की दुकान पर। तो भाई हम लोग आ गए फैसल की शॉप पर और फैसल मोबाइल देख ही रहा था क्योंकि ये सब मोबाइल उसकी दुकान पे है। तो अब देखते हैं वो कौन सा फ़ोन लेता है, तो अभी तो फिलहाल उधर है देख लीजिए। तो अफान भी हमारे साथ आए हैं, वो भी कुछ मोबाइल में अपना काम कर रहे हैं। तो फैसल भाई आप ये मोबाइल ले रहे हैं ओप्पो A58 मस्त है। चलो भाई मुबारक, अभी इसको खोलते हैं, ठीक है हम ही खोलेंगे, ठीक है। तो भाई फैसल का मोबाइल रेडी एकदम, गार्ड वार्ड चढ़ गया है ना, कवर भी लग गया, कवर तो पहले से डब्बे में था। भाई कैसा लग रहा है? कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, सब लोग अभी देखना कमेंट में बोलेंगे, ठीक है चलो फिर। तो भाई अब हम लोग फैसल के साथ जा रहे हैं इनसे पार्टी लेने, इनका नया फोन की वजह से। गाइस अब देखते हैं ये हम लोगों को क्या खिलाते पिलाते हैं, तो फटाफट से चलते हैं। देखिए काफी जाम लग रहा है आजकल गोंडा में। भाई बोलो ओ V2 गाइस, V2 नहीं दिखा रहे, V2 नहीं दिखा रहे, वो भी दिखा रहे। फेस्टिवल का टाइम है तो सब परिये बाहर निकलती, पापा की परिये। तो फैसल भाई बहुत छुप रहे आदमी, यही सब देखा करते हैं हमारे भाई। तो अभी हम लोग चलते हैं चाय सुत्तावार कुछ खाते पीते हैं। तो भाई साहब अभी हम लोग आ गए चाय सुत्तावार चाय पीने के लिए, तो फैसल भाई हमारे चाय पिला रहे हैं हम लोगों को। आप फटाफट से चाय पीते, फिर हम लोगों को घर भी जाना है बाकी काम करने, तो फटाफट से चाय पीते फिर उसके बाद चलते हैं घर। तो भाई साहब यहाँ हमारा पिज्जा भी आ गया और फैसल भाई ने पिज्जा चाय सब कुछ खिला दिया। बहुत बहुत मुबारक हो फिर से तुमको एक और बार मोबाइल के लिए। सो अब इसको खाते हैं क्या क्या, फिर से सही में फैसल ही ने खिलाया। तो अब इसको खाते हैं फिर चलते हैं हम लोग घर। तो भाई साहब फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आके अब थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। सो अब थोड़ा सा आराम कर लेते फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ हम लोग को जाना है, क्योंकि कोचिंग की शायद आज छुट्टी है। सो अभी मतलब थोड़ा सा आराम ही कर लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं बाहर। तो भाई अभी हम लोग जा रहे थे जुंदरी अपनी पिसवाने के लिए, तो अब फटाफट से चलते क्योंकि घर में खाली बैठे थे। मम्मी ने बोला कि जब इसको पिसवा के आओ, तो अब जा रहे हैं फाइनली इसको पिसवाने के लिए और शाम भी हो गई। सो चलते फटाफट से इसको पिसवाने के लिए देते फिर उसके बाद चलते कहीं घूमने के लिए, क्योंकि आप पेट्रोल बहुत है स्कूटी में और आगे की आप लोग राइमिंग मैच कर लेना फिर चलते हैं हम लोग। आई एम वेरी अमीर। सो अनस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वी आर गोइंग टू, व्हाई आर यू टेकिंग बॉल इन योर हैंड, प्लीज से एनीथिंग, जस्ट से 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स इन माय वॉक प्लीज। भाई साहब अनस आपको कैसा चाइनीज लगता है या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तो देखिए अपना मोबाइल निकाल के बैठ गए, ये वही शख्स है जिसको आपने स्टोरी में देखा होगा, नशेड़ी गंजेड़ी बेचारा पड़ा रहता है। अगर आप लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं करा मुझे तो कर लीजिए मुंह। तो भाई साहब अब्दुल्ला तो जा रहा है अपनी नानी के वहाँ, अब इससे हम लोग का मिलना होगा 5-10 दिन के बाद, है ना। कब तक आओगे? हाँ कब तक आओगे? 3-5 दिन बाद इसने अभी जैसा कि बोला, अब देखते कितने दिन बाद के बाद ये आता है। सो ये गाड़ी जाएगी स्विफ्ट डिजायर, तो जाओ फिर हैं, लो बैठ जाओ बैठ जाओ, खुल गई गाड़ी, चलो चलो अंदर जाओ, चलो चलो अंदर। अब्दुल्ला जाओगे नानी के वहाँ? जाओगे नहीं जाओगे? नहीं जाओगे नानी के वहाँ? जाओगे नानी के वहाँ? जाओगे ए नानी के वहाँ? जाओगे नानी के वहाँ? जाओगे नानी, पहले बताओ पहले बताओ, नहीं बताओगे नानी के वहाँ जाओगे? हाँ न। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर टहलने के लिए क्योंकि आज छोटी दिवाली है ना, तो काफ़ी भीड़ होगी चौक में। तो भाई हम और सलमान जा रहे हैं देखने के लिए कि कैसी भीड़ रहेगी, तो फटाफट से चलते हैं और थोड़ा सा मुँह धोके हुडी पहन लिया क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, भी गाड़ी चलाएंगे तो और लगेगी। तो चलते हैं हम लोग चौक। भाई हम लोगों ने अपनी स्कूटी खड़ी करके अफान की स्कूटी ले ली, अब इसको चलाते हैं। अफान चाबी लेने गया है, अभी मेरी स्कूटी में तेल नहीं था, तो अफान भाई हमारे बहुत ही मददगार, हम लोग को अब स्कूटी देंगे। लाओ भाई चलो इसको खोल दो जल्दी। तो भैया चौक में तो पूरा सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है, मुझको तो लग रहा था पैर रखने की जगह नहीं होगी, पर यहाँ सन्नाटा है बहुत ज्यादा। कहाँ किसके साथ है पता नहीं, पता नहीं। गाइस राधा कुंड में देखिए आप लोग, दियाएं रखी हैं गाइस दिवाली की वजह से,
जिसको नहीं देख पाया, जो नहीं देख पाया वो मेरे जरिए देखिए। कितने कितनी होगी यहाँ बताओ, चुराओगे? अगर एक के गायब करना शुरू कर दो तो सुबह हो जाएगी। ना ये आगे की दुकान पे, और आप लोग रेहान की दुकान देख लीजिए, ये सब लगाए हैं। जिसको भी लेनी होगी रेहान के पास आ जाएगा, एकदम भारत पूज वाले के सामने के बगल थोड़ा सा गेट के। तो जिसको लेना होगा लैया चना आ जाइएगा। तो भाइयों हो चुकी है सुबह और हम लोग घर पे आके सो गए थे कल रात में, बहुत थके थे। तो अब हम लोग सुबह हो गई, आज है दिवाली, बड़ी दिवाली। सो आज का व्लॉग देखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है हम लोग पटाखे लेके आए। सो आज का व्लॉग करते हैं पे एंड। होप करता हूँ आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो वहाँ भी जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।